उदाहरण 9। एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में एबी बराबर एसी है। कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि पहला ओबी बराबर ओसी, दूसरा एओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। उदाहरण 9 पर अब बात करने जा रहे हैं। अभी हमने दो प्रॉपर्टीज, दो गुण त्रिभुज के पढ़े हैं। एक तो सर्वांग समता के बारे में हमने पढ़ा है और दूसरी चीज जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज के गुणों को भी हमने पढ़ा है। तो आगे के जो हमारे उदाहरण होंगे वो इन दोनों चीज़ों पर आधारित होंगे। हमको ये देखना होगा कि हम कहाँ पर किस गुण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस उदाहरण 9 में हमें एक त्रिभुज एबीसी के बारे में बात दी गई है और ये बताया गया कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें भुजा एबी और भुजा एसी बराबर हैं। और आपको मालूम है कि भुजा एबी और एसी दोनों बराबर हुए हैं, इसलिए कोण बी कोण सी के बराबर है, ये आपने पढ़ा हुआ है। अब इस त्रिभुज में हमें जो बात दी जा रही है वो ये है कि हमने कोण बी का एक अर्धक खींचा है बीओ और उसी तरह से कोण सी का भी एक अर्धक खींचा है सीओ। ये दोनों अर्धक एक दूसरे को ओ पर काटते हैं। तो हमें जो बात प्रूफ करनी है वो ये है कि ये जो बीओ और सीओ हैं वो आपस में बराबर हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसको प्रूफ कर पाते हैं। एक बार फिर से हम रिपीट करें, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एबी एसी के बराबर है और समद्विबाहु त्रिभुज के सामने कोण चूंकि बराबर होते हैं इसलिए हमें पता है कि बी कोण बी और कोण सी आपस में बराबर हैं। बी ओ और सी ओ क्रमशः कोण बी और सी के अर्धक हैं जो एक दूसरे को ओ पर काटते हैं। हमें प्रूफ करना है, हमें प्रमाणित करना है कि जो बी ओ की लंबाई है वो सी ओ के बराबर है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लिखें त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में चूंकि ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं हैं इसलिए इनके सामने के कोण, ए बी के सामने कोण सी और ए सी के सामने का कोण बी आपस में बराबर होंगे। तो हम इसलिए लिखें, इसलिए कोण बी बराबर कोण सी। अब चूंकि दोनों कोण बराबर हैं इसलिए इनके अर्धक भी बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि 1/2 कोण बी बराबर 1/2 कोण सी, यानी हम इस कोण की बात कर रहे हैं, दोनों कोणों के अर्धक की बात कर रहे हैं। ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। अब आप देखिए कि जब ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए तो ये जो छोटा त्रिभुज बन रहा है जिसको आप ओ बी सी कह सकते हैं, त्रिभुज ओ बी सी में अगर ये कोण इस कोण के बराबर है, इसका मतलब ये जो त्रिभुज OBC बन रहा है वो भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज OBC में, इसको लिख लें OBC भी समद्विबाहु त्रिभुज है। और फिर से हम समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। अगर ओ बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है और कोण बी कोण सी के बराबर है, 1/2 कोण बी 1/2 कोण सी के बराबर है, इसको आप कोण ओ बी सी या कोण ओ सी बी कह सकते हैं। तो हम यहाँ लिखें आगे, कोण ओ बी सी बराबर कोण ओ सी बी। इस स्थिति में इन दोनों कोणों के सामने की जो भुजाएं हैं वो भी बराबर होंगी। तो कोण ओ बी सी के सामने की भुजा ओ सी, ओ सी बराबर कोण ओ सी बी के सामने की भुजा ओ बी, ये भी आपस में बराबर होंगी। आप इन्हें बी ओ भी लिख सकते हैं और इसे सी ओ भी लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं सी ओ बराबर बी ओ। यह जो आपको प्रूफ करना था इसको आप बदल के लिखें, बी ओ बराबर सी ओ। ये चीज़ आपको प्रमाणित करनी थी और ये प्रमाणित होता है। आपने देखा कि आपने दो बार समद्विबाहु त्रिभुज के गुणों का इस्तेमाल किया। पहली बार त्रिभुज ए बी सी के संदर्भ में आपने बताया कि ए बी और ए सी बराबर है इसलिए पूरा का पूरा कोण बी
पूरे कोण सी के बराबर है और इसलिए दोनों कोणों के अर्धक भी बराबर है, 1/2 बी यानी ओ बी सी और कोण ओ सी भी बराबर है। और ये चूंकि बराबर हो गए तो इस छोटे वाले त्रिभुज में ये जो भुजा है जो इन कोणों के क्रम से सामने की भुजाएं हैं वो भी आपस में बराबर होंगी। इस आधार पे आपने सिद्ध किया कि ओ बी बराबर ओ सी या बी ओ बराबर सी ओ। तो ये आपका जो उदाहरण है वो सॉल्व होता है और इसे आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। उदाहरण 9 भाग 2। बच्चों अभी हमने जो उदाहरण हल किया है उसमें एक पार्ट और है और उसमें ये हमको ये कहा जा रहा है कि इसी त्रिभुज एबीसी में जिसमें हमने अभी प्रूफ किया कि बीओ और सीओ बराबर है उसमें एक रचना और की जा रही है। हम ए से ओ को मिला रहे हैं तो हमें एक एओ रेखाखंड मिल रहा है, तो हमें सिद्ध करना है कि रेखाखंड एओ कोण बीएसी को यानी कोण ए को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब ये भी हुआ कि ये जो दो कोण दिख रहे हैं, मान लीजिए इन्हें हम एक नंबर दे दें कोण 1 और कोण 2, तो ये दोनों कोण बराबर हैं आपस में, ये हमें प्रूफ करना है। इसे आप इस तरह से भी पढ़ सकते हैं कोण बीएओ कोण बीएओ बराबर कोण सीएओ सीएओ, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए देखें कैसे हो सकता है ये। थोड़ी देर के लिए इस ओ को हम यहाँ से हटा के यहाँ लिख दें। अब आप देखिए आपके पास दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ए ओ सी। गौर से देखिए क्या इनमें कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिख रही हैं जिसको आप बराबर सिद्ध करें और ये बता सकें कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। आपको याद होगा कि इस प्रश्न के शर्त में ये बात दी हुई थी हमें कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है और जिसमें भुजा ए बी भुजा ए सी के बराबर है। तो एक चीज़ तो आपको दोनों त्रिभुजों में मिल गई, भुजा ए बी और भुजा ए सी दोनों बराबर हैं। हम त्रिभुज ए बी ओ और ए सी ओ के बारे में बात कर रहे हैं। और बताइए और क्या चीज़ आपके पास है। अब ये ध्यान में होगा आपके कि अभी हमने प्रमाणित किया था कि बी ओ बराबर सी ओ बी है, तो हम दूसरी चीज़ ये भी देख पा रहे हैं और तीसरी भुजा ए ओ दोनों में है। तो आपको तीन भुजाएं दोनों त्रिभुजों की मिल रही हैं, इन्हें हम सिलसिलेवार लिख लें। ये त्रिभुज ए बी सी में हमें ये दिया गया था कि ए बी बराबर ए सी था और अभी हमने प्रूफ किया कि ओ बी बराबर ओ सी। तो इसे हम लिखें त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज ए सी ओ में एक चीज हमें मिल गई थी जो हमने यहां लिखी हुई है, इसको दोबारा इसके संदर्भ में लिखें कि भुजा ए बी बराबर ए सी और अभी आपने प्रूफ किया था कि बी ओ बराबर सी ओ है। इसको भी हम लिख लें कि बी ओ बराबर सी ओ और भुजा ए ओ दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, तो हम लिखें ए ओ बराबर ए ओ, ये उभयनिष्ठ भुजा है। अब आप देखिए क्या पता चलता है आपको कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के संगत भुजाओं के बराबर हैं। और आप जानते हैं कि इस सर्वांग समता के इन शर्तों को हम एस 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 साइड 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 या भुजा 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 के नाम से जानते हैं, भुजा 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 सर्वांग समता। ये आपने पहले देखा हुआ है। तो इस सर्वांग समता की शर्त के आधार पर आप दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम लिख सकते हैं। तो हम लिखें त्रिभुज ए बी ओ ए बी ओ सर्वांग सम त्रिभुज ए सी ओ, दूसरा वाला त्रिभुज ए सी ओ, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। इसका मतलब इनकी संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर होंगे। तो आप देखिए ये कोण इसके संगत है, तो आप कह सकते हैं कि कोण एक कोण दो के बराबर है। इनका नाम लिख लें आप, कोण एक को आप पढ़ेंगे कोण बी ए ओ
और दो को पढ़ेंगे सी ए ओ, तो आप लिखिए कोण बी ए ओ बराबर कोण सी ए ओ, और यही आपको सिद्ध करना था। तो ये आपके उदाहरण का दूसरा हिस्सा भी सिद्ध हुआ, आपको आसान लगा होगा और आप भी एक बार कोशिश करके देखें और मुझे यकीन है कि इसे आप बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे। तो शुरू करिए।